हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बहुत नॉर्मल रेसिपी दाल बनाने का। तो मसूर का दाल बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा मैं कुकिंग लेके आती हूँ जो सबको, जिसको नहीं आता है बनाने, वो यहाँ पर कुकिंग सीख सकता है। तो फ्रेंड्स, मसूर का दाल बनाने के लिए यहाँ देखिए, मसूर को दाल को मैं अपने हिसाब से ले रखी हूँ और उसको अच्छे से भिगो दी थी 10 मिनट के लिए। तो ये जो मेरा मसूर का दाल है, अच्छे से भीग गया है और देखिए इसको भी कितना बड़ा बड़ा हो गया है। तो अब मैं क्या करी, उसमें डाल देती हूँ आधा चम्मच के हिसाब से हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार डाल रही हूँ नमक। अब मैं क्या करी, उसको कुकर में डाल दे रही हूँ। तो कुकर में डाल दी हूँ और इस बाटी से एक बाटी जितना पानी डाल दूंगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, कुकर को ढक्कन लगा के और इसको 5 से 6 सीटी मार लेती हूँ इसमें। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं कर रखी हूँ, थोड़ा सा ले रखी हूँ गोटा जीरा, एक तेज पत्ता, थोड़ा सा अदरक यगस कर ली हूँ, 2 लाल मिर्ची और 2 यहाँ हरी मिर्ची को काट ली हूँ और यहाँ पर 1 मीडियम साइज के प्याज को जिसे बारी बारी काट ली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब दिखाती हूँ आपको दाल को मेरा। तो यहाँ देखिए, मेरा कुकर को खोल दी हूँ और जो मेरा दाल है अच्छे से गल गया है। तो फ्रेंड्स, इसको मैं हाई गैस पर 3 सीटी मंगाई थी और मीडियम पर 3 सीटी, मैं टोटल इसमें 6 सीटी मंगाई हूँ। तो यहाँ देखिए, मेरा दाल गल गया है। तो आप इसको चाहे तो घुटनी से घोट सकती हैं, तो मैं तो यहाँ कलछू से ही घोट ले रही हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छे से गल गया है। तो चलिए इसको बनाने के लिए चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, मैं आगे से ही ऑयल बैठा रखी थी गरम करने के लिए। तो मेरा ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। तो यहाँ पर मैं डाल दी जीरा, तेजपत्ता, लाल मिर्ची, ये मेरा हरी मिर्ची डाल दे रही हूँ, ये जो मेरा अदरक है अदरक को डाल दे रही हूँ, एक बार चला लेती हूँ। अब जो मेरा ये प्याज है, प्याज को डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है, प्याज को बेसी नहीं पकाना है, 30 से 40% ही इसको पकाना है, बेसी नहीं, नहीं तो क्या होता है, जो हमारे प्याज का स्वाद होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ देखिए, मैं 40% ही इसको पकाई हूँ। तो अब मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ गरम मसाला और एक बार मिक्स करके, और फ्रेंड्स इसको बेसी देर मत पकाइएगा, इससे क्या होगा, हमारे ये सूखे मसाले जो हैं जल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट में क्या करना है, तो थोड़ा सा लाल मिर्ची देने से हमारे जो दाल का कलर होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो इसमें मैं डाल दी हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको 1 से 2 मिनट ही पका लेती हूँ हाई गैस पर। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इस टाइप के हैं। तो आप चाहे तो इसको और पतला कर सकती हैं और इसे तो गाढ़ा आपका मर्जी, आप कर सकती हैं नहीं या इसे पतला कर सकती हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरा दाल बन के रेडी है। आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, कुछ भी के साथ खा सकती हैं। और मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि देखिए ये कितना अच्छा से गल गया है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी को। और मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।